तो महाजनों, मैं आपको लाखों का माल सामान पानी के भाव में दे रहा हूँ, तो मेरी दलाली भी ज्यादा होगी। 5% नहीं 10% लूंगा। जिसको मंजूर हो यहाँ पर रहे, जिसको ना मंजूर हो यहाँ से बाहर चले जाए। बहुत छोटी सी बात है। सरकार आ गए। आइए सरकार, आइए आइए आइए। सरकार, ये है राजस्थान के कोने कोने से आए करोड़पति। यह है सेठ जौहरी लाल जी, जो आपकी 2000 किलो चांदी लेंगे। यह है मदन लाल जी, जो आपके फार्म हाउस लेंगे। और यह है प्रताप सिंह जी, जो आपकी हवेली खरीदेंगे। यह लकड़े वाले भाई साहब, जो आपका सारा फर्नीचर ले लेंगे। यह है गेंदा राम जी, जो मोती डूंगरी लेने वाले हैं सरकार। यह है रामपाल, जो 120 घोड़े अस्तबल के लेंगे, मेरे छोटे भाई हैं। नमस्ते। ये 152 पेंटिंग लेंगे श्रीमान। ये गुज्जू राम जी आपके आम के बगीचे खरीदेंगे। श्रीमान अवतार जी हमारी मंदिर की 55 मूर्तियां। और ये श्रीमान काली माता पर जो माँ जी ने गहने चढ़ाए वो लेंगे। अब सिर्फ आपके हस्ताक्षर बाकी है। कस्तूरी, अब हम जमीन बेचेगा नहीं, खरीदेगा। खरीदोगे? लेकिन क्यों सरकार? कस्तूरी डैम बन जाने के बाद यहाँ का जमीन गोल्ड बन जाएगा, और हम उस जमीन पर बड़ा बड़ा मिल बनाएगा, इंडस्ट्रीज लगाएगा, अपना एम्पायर खड़ा करेगा। और ये जमीन का किसान वो कहाँ जाएगा सरकार? कस्तूरी, तुमने नहीं देखा, हर कारखाना का पास एक स्लम, झोपड़पट्टी। हाँ, झोपड़पट्टी होता है, जिसमें उस कारखाना में काम करने वाला वर्कर मजदूर रहता है। हमारा कारखाना का पास वाला झोपड़पट्टी में ये लोग रहेगा और हमारा मजदूरी करेगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि यहाँ का जमीन का प्राइस, दाम। हाँ, दाम कितना ठीक रहेगा? दाम तो वही ठीक रहेगा जो हम तय करेंगे, लेकिन तरक्की आपकी और वो झोपड़पट्टी में। वो अपनी जमीन नहीं बेचेंगे सरकार। बेचेगा कस्तूरी, जरूर बेचेगा, क्योंकि हम उन अनपढ़ गवार लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा, प्रोग्रेस का, तरक्की का, रिचनेस का, पैसा का। वो कैसे सर? हम आप लोगों का जमीन इसलिए खरीदना चाहता है ताकि हमारे इस गांव का, पूरे जिले का प्रोग्रेस हो, तरक्की हो। हम चाहता है कि हमने जो नॉलेज, ज्ञान, जो ज्ञान हासिल किया है, उससे हमारा लोगों का फायदा हो। क्योंकि भले ही हमारा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई परदेश में हुआ हो, लेकिन हमारा दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। अगर आप लोग चाहता है कि आपके गांव का हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज, और ट्रांसपोर्ट के लिए बसें, मोटर गाड़ी, ट्रेन को हिंदी में क्या कहता है? ट्रेन को भग भग भगनी वाहक लोहपद गामिनी भग 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 आया भग भग अग्निवाहक। अरे कौन से अग्निवाहक? अरे हो दादाजी, इतना से लाया यंत्र ला रहे हो गांव में? अबे ओ वो, अरे तो ही भग भग छुक छुक का करा था, सीधे सीधे हिंदी में ट्रेन कहो ना। अगर हमें भी अंग्रेजों की तरह प्रोग्रेस, तरक्की करना है, तो हम लोगों को अपना थिंकिंग, सोच बदलना होगा। अब साल भर खेतों में लेबर, मजदूरी करके झोली भर अनाज पैदा करने का जमाना नहीं रहा। अगर आप लोग हमारा बात मानो तो अपना खेतों में बीज नहीं, बुनियाद डालो। बड़ा बड़ा फैक्ट्री, कारखाना का बुनियाद, जो सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बल्कि आपका आने वाला जनरेशन, नस्ल को भी रोटी देगा। अगर आप लोग अपना जमीन बेचने को तैयार है, तो हम पैसा लगाने को तैयार है। बोलो, फैसला आप लोगों के हाथ है। पर हमका करना का पड़ेगा। अरे करना क्या है बल्लू, इस कागज पर दस्तखत करो, तुम्हें खेत की कीमत भी मिलेगी और नौकरी भी। ऐसा क्या? डोंट वरी, कम कम आओ आओ।
अरमान, खरीदे सब खेती खलियान, हमारा कर दे वो कल्याण, वो आया करके है सारी तैयारी। अरे सुनो सुनो ओ गांव के रहने वालों, देखो गांव में आया एक व्यापारी। अरे हट, इतना सर मत चढ़, तुझे क्या समझाए अनपढ़, जरा ठहरो के हम समझाएगा, तुम हमको कहने दो। तुम्हारे गांव में हम कारखाना जब लगाएगा, तो सारे गांव को हम शहर के जैसा बनाएगा। जहां पुरवाई के बदले में चिमनी का धुआं होगा, न फिर ये धरती ऐसी होगी, न ये आसमां होगा। अरे ये भी तो सोचो, शहर में होता है वो सब कुछ यहाँ होगा। मगर इतना बता दो मुझको तुम भैया, किसान अपनी जमीन जो बेच देगा तो कहाँ होगा। तो फिर तुम ये कहो, तुमको बुरी हालत की आदत है, तरक्की से तुम्हें नफरत, गरीबी से मोहब्बत है। गरीबी से नहीं मुझको, गरीबों से मोहब्बत है, यही है मेरी पूजा और यही मेरी इबादत है। और तरक्की के लिए क्या सोचते हो? तरक्की वो नहीं होती जो एक धनवान का घर भर दे, लेकिन सैकड़ों निर्धन रहे भूखे, फिरे बेघर, जिए दिन रात मर मर के। तरक्की वो नहीं होती। तो फिर हम भी सुने के तुम तरक्की कौन सी चिड़िया को कहते हो? तरक्की इसको कहते हैं कि हर एक घर में रोटी हो, तरक्की इसको कहते हैं कि हर आंगन में ज्योति हो, तरक्की इसको कहते हैं कि हर सीने में आशा हो। तरक्की ये नहीं होती कि भाषण हो, कमीशन हो, तमाशा हो। बहुत नाराज हो लेकिन सुनो, जमीन हम तुमसे जो लेगा पूरा दाम भी देगा, यहाँ पर मिल बनाएगा तो सबको काम भी देगा। काम? तुम अपने आप मालिक हो, मगर ये सेठ जी तुम सबको अब नौकर बनाएगा। दाम? चलो ये भी सुनो के दाम ये कितना चुकाएगा। जिसको मेरे पुरखों ने लहू से सींच कर फसलें उगाई थी, बताओ मेरे पुरखों के लहू का दाम क्या दोगे? ये वो धरती है जिसकी गोद में बचपन मेरा खेला, ये धरती मेरी माँ है, बताओ मेरी माँ की ममता का दाम क्या दोगे? जरा देखो, जरा देखो पर, देखते हैं हम निशा पुरखों के पांव के, यहाँ के जर्रे जर्रे में हमारी कितनी यादें हैं। हमारी जान है गांव, मेरी पहचान है गांव, मेरी पहचान का तुम ये बताओ दाम क्या दोगे? बहुत पंचम में बातें कर रहा है, मगर ये तो कहे क्या चाहता है? तुम्हारे दिल में गांव का भला है, तो आओ साथ आओ, मेरे कंधे से तुम कंधा मिलाओ, हम इस धरती से वो फसलें उगाएं कि हर भूखे को हम रोटी खिलाएं। मिटा डाले गरीबी का ये किस्सा, बराबर का मिले हर एक को हिस्सा। न कोई मालिक हो ना कोई नौकर, लुटेरा हो कोई ना कोई बेघर, हम अपने गांव को ऐसा बनाएं।
ये हैं भारतपुर जिले के कलेक्टर श्रीमान शंकर दयाल माथुर। इस जिले के मालिक है सरकार, ये जो भी कह दे लिख दे और उस पर ठप्पा लगा दे तो पत्थर की लकीर हो जाता है, इनका ऑर्डर कानून बन जाता है। ये है ठाकुर बलराम सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला भारतपुर। भारतपुर जिले के पूरे 126 गांवों की कानून की व्यवस्था इनके डंडे की नोक पर धरी है। यूं समझिए पुलिस और कानून के बेताज बादशाह हैं बलराम सिंह जी। फैंटास्टिक। और यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए? छी, उन दोनों को छोड़िए सरकार, वो दादा ठाकुर एमपी और टोपी वाले एमएलए, वो तो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, उनका तो काम ही हर काम का विरोध करना है। हमें तो इन जैसे कानून चलाने वालों की जरूरत है, कानून बनाने वालों से हमें क्या लेने देना है कि नहीं? बाकी का मैं इन दोनों को समझा दिया पूरा। गुड, वेरी गुड, कम इनसाइड, आइए। सो जेंटलमैन, ये आपका डिस्ट्रिक्ट भारतपुर। डैम बन जाने के बाद 126 गांव का शक्ल ऐसा हो जाएगा। पार्वती, पार्वती सागर बांध परियोजना। अगर ये जमीन हम लोगों का कब्जे में आ जाता है तो सोना बन जाएगा, क्योंकि इस नदी के किनारे हम हजारों फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएगा, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट लागत 1032 करोड़ होगा। 1032 करोड़? और हर डीलिंग में से सौदे में से आप लोगों का कमीशन 5% ईच, 5%। शंकर दयाल जी, गिनती से बाहर है ये पैसे, इतने सारे पैसे कि पुश्ते बैठकर खाती रहे तो भी खत्म न हो। Precisely. अब आप लोग हमको ये बताइए कि इस सारा जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए। अरे ये क्या बताएंगे, चाणक्य जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया है, साम दाम दंड भेद। उन्होंने कहा है कि पहले तो समझाओ, समझाने पर अगर नहीं मानता है तो दाम लगाओ, और बिकने पर आमादा न हो तो फिर दंड दो, और उस पर भी अगर काबू में नहीं आता है तो फिर भेदभाव पैदा करके आपस में लड़ा दो। और जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं जो साम दाम दंड भेद के सामने झुके नहीं, समझे? और अगर इससे भी कोई नहीं झुका तो वो फिर भगवान कहलाएगा, और मौजूदा हालात देखते हुए भगवान भी इस धरती पर जन्म लेना पसंद नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। दाम लगाने के लिए हम तैयार हैं, जितना चाहिए पैसा बहा देगा। और गांव वालों में भेदभाव पैदा करने का काम मुझ पर छोड़ दो।